किस मकसद से फोन किया? मैंने देखा कि आपने एक ग्रुप है मोबाइल पर, ACS हरियाणा, उसमें देखा मैंने कि अपराध मुक्त और भारत मिशन का अध्यक्ष हैं आप। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही देखा है। तो मैं सोचा कि जरा हम भी थोड़ा वार्तालाप करें और राज वार्तालाप करें या वार्तालाप करें? जी वार्तालाप करें या वार्तालाप करें? हाँ वार्तालाप करें। बताइए। ये इसको अपराध मुक्त भारत बनेगा कैसे सर? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। यदि मैं कहूं कि 9 दिन के सरल उपाय के तहत मिलेगा, जिसमें ना आपको जुलूस निकालना होगा, ना धरना देना होगा, ना कोई ज्ञापन देना होगा, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन नहीं देना होगा, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो है आवेदन नहीं लगाना होगा, आपको जंतर मंतर पे धरना नहीं देना होगा, इतनी आसानी से ये हो जाएगा। और जो जनता जाति में बटी हुई है, धर्म में बटी हुई है, संप्रदाय में बटी हुई है, संकीर्ण राजनीति में बटी हुई है, उसे अपनी संकीर्णता से बिना बाहर निकले, केवल जो है एक हसीन सपने के माध्यम से कि उसे 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के तहत महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी मैंने 5 फंडामेंटल राइट भी देखा सर। अंतिम जी वाला मेरे को समझ में नहीं आया कि पांचवा पांचवा शब्द वो निजात है, वो उसका मानू नहीं समझ पाया मैं। निजात नहीं है, निजता, प्राइवेसी। क्योंकि भारत में फिर एक कानून लागू होगा जिसको हम कहेंगे सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। तो सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, हर चीज कैप्चर होगी, लिहाजा एक फंडामेंटल राइट मिलेगा कि आपका जो डाटा है वो प्राइवेसी के तहत आपका जो है सुरक्षित रखा जाएगा, और ये आपका मौलिक अधिकार होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बहुत आसान सा उपाय है, बताइए सर। आपको जो है अपने लोगों को, जो आपके परिवार के हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आसपास में पड़ोस में रहते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हों, वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी राजनीतिक आइडेंटिटी के हों, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं, उन्हें अपने घर पे बुलाना है, उनके साथ चाय पीना है, उनके साथ भोजन करना है, क्राइम फ्री भारत का वीडियो देखना है। यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से जवाब दिलाना है। यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है 10-10 लोगों को 9 दिन के लिए जोड़ने की। बस यही चैन को बनाए रखना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर आपका ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए खुद कर दें। जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी 240 सीट पर सिकुड़े हुए हैं, वो जो है इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स बना देंगे, जिनका मार्गदर्शन जो है मैथिली शरण गुप्त करेंगे। भारत सरकार को आश्वासन है कि उनकी जेब का एक पैसा खर्च नहीं होगा, और 5 साल के अंदर भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। लिहाजा भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि 5 साल के अंदर हमें अपने भारतवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, तो आपको कहीं कर्ज मांगने नहीं जाना होगा, आपके ही डेबिट अकाउंट से, वो भी ऑटो स्वाप के जरिए से पैसा आपको मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में आएगा तो आसानी से अपने आप पट जाएगा। यदि किसी कारण से आप कमाने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा,
और आपके से चर्चा करके आपको ट्रेनिंग, हुनर, टूल्स, अभ्यास दिलाते हुए आपको टीम में गठित करेगा और इन टीमों के माध्यम से भारत संपदा का जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। ये डिजिटल मनी होगी, जैसे RBI होता है ऐसे RBI 2 होगा जिसके निरीक्षण में ये सब काम होगा। लिहाजा भारत सरकार को आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए, आपको जो है हेल्थ का मौलिक अधिकार देने के लिए, आपको भोजन का मौलिक अधिकार देने के लिए, और भोजन में अकेला रोटी अन्न नहीं है, उसमें दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शहद भी है और जीवन वर्धक औषधियां भी है। वैसे ही जो है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में आपका न केवल मेडिकल चेकअप होगा, वो भी हर व्यक्ति का, बल्कि साथ में बात पित्त कफ के जो है ना इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाएंगे जिससे आपका बात पित्त कफ भी नापा जाएगा और आपके भोजन में ही ऐसी औषधियां दी जाएंगी कि आप जो है बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आज रासायनिक विष से, चाहे वो दूध के फॉर्म में हो या फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के फॉर्मेट में हो या दवाओं के फॉर्मेट में हो, अभी रासायनिक विष चारों तरफ आपको परोसा जा रहा है और आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। आने वाले 10 सालों में 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। जी जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बात कहने और सुनने की नहीं है, बात जो है हमें अपने वोट से चुने हुए राजनेताओं को मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वोट से चुने हुए राजनेता हमारे हक में निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगे कि 240 की बजाय वो जो है टैक्स मुक्त करके, कर्ज मुक्त करके और 21 लक्ष और 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे और उसके उनके खीसे का पैसा भी नहीं लगेगा और भारत टैक्स मुक्त भी हो जाएगा और कर्ज मुक्त भी हो जाएगा, तो आप बताइए हम सब लोग जो है उन्हें 500 पार करा देंगे कि नहीं करा देंगे? एकदम करा देंगे सर। अब यदि वो अपने लाभ के लिए 500 पार होते अपने आप को देख पाएंगे तो आपका काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो गया कि नहीं हो गया? और उन्हें करना क्या है, 26 टास्क फोर्स बनाना है, भारत के बेस्ट ब्रेन जो है ना उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं उन्हें रिफाइन करेंगे और उन्हें जमीन पर उतार देंगे। है आसान के नहीं है? अब एक मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते, तब क्या होगा? जब नहीं मानेंगे तब तो उनको नहीं जिताया जाएगा, 500 पार नहीं किया जाएगा उनको। यदि वो नहीं मानेंगे तो जो लोग 9 दिन के सरल उपाय के साथ संकल्प और शपथ से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन चंद्रगुप्त के घर पर उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप सांसद का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर शपथ लेंगे कि इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, अपराध मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, टैक्स मुक्त भारत के लिए और कर्ज मुक्त भारत के लिए हम इन 543 चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो ना तो इन चंद्रगुप्तों को टिकट के लिए किसी के पास जाना होगा, ना पैसा खर्च करना होगा, ना ही उन्हें अपना लीफलेट छपवाना होंगे, ना ही होर्डिंग बनाना होंगी और शून्य खर्च पर वो सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? एकदम जीत जाएंगे सर। और यदि वो जीत जाएंगे तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो हम खुद कर लेंगे और उसको करने के लिए भी बिजनेस रूल को जो है ना अमेंड किया जाएगा, तो आगे चल के पार्लियामेंट में कोई भी कानून सीधे पेश ही नहीं किया जा सकेगा। पहले जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स
सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ होगा, फिर 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स अलग अलग रीजन की पब्लिक के साथ होगा, तो पहला रिफाइनमेंट एक्सपर्ट की जो सलाह होगी उस पर होगा, दूसरा जो है उसमें संशोधन होगा, वो पब्लिक की जो है शंकाएं कुशंकाएं उनके जो सलाह है उसके आधार पर जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे सेकंड डिग्री और का जो है ना इम्प्रूवमेंट होगा, और फिर ये चंद्रगुप्त, क्योंकि पब्लिक से आप पूछ चुके हैं तो अभी चंद्रगुप्त पब्लिक के नुमाइंदे के बतौर नहीं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जो सुझाव देंगे उन पर विचार करके तीसरे डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट होगा, तब वो चीज जो है पार्लियामेंट में पेश की जा सकेगी। लिहाजा हमारे चंद्रगुप्त भी कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या आप बताइए? हमारे चंद्रगुप्त निगरानी रहेगा? नहीं, निगरानी नहीं, वो तो जो है जब पक पका के चीज पहुंचेगी और हर चीज लाइव चर्चा होगी और वो भी पार्लियामेंट के बाहर होगी, इसके बाद चीज पार्लियामेंट में पहुंचेगी, तो गलत करने वाले, गलत बोलने वाला, गलत सोचने वाला, गलत मंशा रखने वाले पे पब्लिक सड़े पड़ा टमाटर फेंकेगी। बिल्कुल यही रास्ता है सर, लेकिन बड़ा